नमस्कार बच्चों बच्चों हम लोग आजकल एक दूसरे से बात करने के लिए, हाल चाल जानने के लिए फ़ोन का, मोबाइल का प्रयोग करते हैं। पर दूर गांव में जहां फ़ोन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क मतलब टावर नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए? हाँ, पत्र लिखते हैं। पत्र से हमें एक दूसरे का संदेश तो मिलता ही है, साथ ही हम पत्र में लिखी ज़रूरी बातों को दोबारा पढ़कर उसके अनुसार काम को अच्छे से कर सकते हैं। आपको पता है, हम लोग कई तरह के पत्र लिख सकते हैं, जैसे पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय और लिफाफा। और पता है ना, पत्र के दाईं ओर दिनांक लिखना है और बाईं ओर आप जिससे पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम लिखना है। तो चलिए पढ़ते हैं राजिम। जानते हैं ना, जहाँ राजीव लोचन भगवान और कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, सोंडूर पैरी महानदी का संगम है। और क्या क्या है इसे जानने के लिए पढ़ते हैं पाठ 16, राजिम मेला, सहेली को पत्र। शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़, 22 दिसंबर 2010। तो बच्चों देख रहे हैं ना किधर लिखा है, जहाँ से वो पत्र लिख रहा है वहाँ स्थान का नाम और दिनांक लिखा है। ठीक है बच्चों, और जिसको लिख रहे हैं उसका नाम हम बाईं ओर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारी सहेली श्वेता, मैं यहाँ पर अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारे स्कूल में अभी खेल प्रतियोगिताएं चल रही है, मैं भी खो खो और लंबी दौड़ में भाग ले रही हूँ। तुम्हारे यहाँ खेल प्रतियोगिताएं कब है? अरे हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी। कुछ दिन पहले मैं राजिम अपने मामा के यहाँ गई थी, माँ और पिताजी के साथ। पिताजी के लिए मामा का पत्र आया था कि आप लोग सत्तों को लेकर आ जाइए, यहाँ माघ का मेला लगा है। बस हम लोग चल पड़े मामा मामी से मिलना और मेला देखना। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज मतलब एक साथ अगर दो काम हो जाए ना तो उसको कहते हैं एक पंथ दो काज। जिस बस में हम लोग राजिम जा रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। थोड़ी देर तो हमें बस में सीट ही नहीं मिली, हमें खड़े खड़े ही जाना पड़ा, लेकिन फिर बैठने के लिए सीट मिल गई। बस में मैं बैठी, रास्ते भर मेले के बारे में सोचती रही। वहाँ तरह तरह के झूले होंगे, अच्छे अच्छे खिलौने मिलेंगे, यह सोचते सोचते हम कब राजिम पहुँचे पता ही नहीं चला। घर पर मामा हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे, मुझे देखकर उन्होंने मुझे गले से चिपका लिया। वे बोले, सत्तो तू आ गई, सब लोगों के साथ मेला देखने में आनंद आएगा, शाम को सब मेला देखने चलेंगे। मैंने मामा से पूछा, मामा इस मेले के बारे में कुछ बताइए। वे बोले, यह मेला हर वर्ष माघ माह में लगता है, पूरे महीने यहाँ खूब रौनक रहती है। माघी पूर्णिमा को इस मेले की शुरुआत होती है और महाशिवरात्रि को समापन। यहाँ भगवान राम का राजीव लोचन मंदिर और कुलेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ तीन नदियों सोंडूर पैरी और महानदी का संगम होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। मेले में बहुत सारे खेल तमाशे आए हैं, तू देखेगी तो नाच उठेगी। हम लोग जल्दी जल्दी नहाए, हमने खाना खाया और फिर हम मेला जाने के लिए तैयार हो गए। मामा जी के घर से मेले का स्थान थोड़ी ही दूर पर था। मेले से लाउड स्पीकर की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई पड़ रही थी, गाने भी हो रहे थे, बातें करते हुए हम लोग चल रहे थे। मामा जी पिताजी को राजिम के मंदिरों के बारे में बता रहे थे। मुझे तो उन बातों में कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा था, मेरे मन में ऊंचे ऊंचे गोल गोल झूले झूम रहे थे, खिलौने की दुकानें चाट दिमाग पर छा रही थी। 15-20 मिनट में हम मेले में पहुंच गए। मेले में खूब भीड़ थी, तरह तरह की दुकानें सजी थीं। देख रहे हो ना कितनी भीड़ है, छोटे बड़े कई तरह के झूले थे, कोई बहुत ऊंचे ऊंचे थे,
तो कोई चक्कर में चलने वाले थे। खिलौनों की दुकानें तरह तरह के खिलौने से सजी थी। जगह जगह गुब्बारे वाले खड़े थे। खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। मामा ने पहले तो मुझे गोल वाले झूले में झुलवाया, फिर ऊंचे वाले झूले में वे खुद भी मेरे साथ बैठकर झूले। ऊंचे वाले झूले में बैठकर बहुत मजा आया। के बाद मैंने एक बड़ा सा गुब्बारा खरीदा। तभी माँ ने एक दुकान की तरफ मेरा ध्यान दिलाया, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गुड़िया रखी थी। वह गुड़िया मुझे बहुत पसंद आई। देखो कितनी सुंदर गुड़िया है ना। मैंने उस गुड़िया के लिए माँ से कहा तो माँ ने मुझे गुड़िया दिला दी। पिताजी ने मुझे एक बड़ा सा खिलौना दिलाया। एक दुकान पर बहुत सुंदर चूड़ियाँ थी। मैंने खुद अपने लिए चूड़ियाँ खरीदी। मेले से निकलते हुए एक दुकान के कोने से लगकर मेरा गुब्बारा फूट गया। मामा हम सबको चाट की दुकान पर ले गए। सबने चाट खाई। रात होते होते हम मामा के घर पहुंच गए। मेले के बारे में बताने लायक बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब नींद आने लगी है। जब मिलूंगी तब और बातें बताऊंगी। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारी सहेली सरिता। तो देखो बच्चों, नीचे अपना नाम लिखा है ना, जिसने लिखा है उसका नाम नीचे होता है। तो बच्चों, राज्य में क्या क्या है ये तो सब आप जान गए हैं। पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। अपने से बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में आदरणीय, पूजनीय, पूजनिया, पूज्य लिखते हैं। अपने से छोटों को पत्र लिखते समय संबोधन में आयुष्मान, चिरंजीव तथा बराबर उम्र को प्रिय, बंधुवर, मित्रवर, प्रिय सहेली लिखते हैं। पत्र के ऊपर दाहिनी ओर पत्र भेजने वाले का पता और उसके नीचे दिनांक लिखा जाता है। जैसे देख रहे हैं ना, इधर दाईं ओर शंकरनगर रायपुर छत्तीसगढ़ 22 दिसंबर 2010 लिखा है। ये जगह है दाईं ओर पता लिखना है जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं और दिनांक लिखना है। और उधर बाईं ओर अपने सहेली को जो पत्र लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। और सबसे नीचे देख रहे हैं ना, दाईं ओर अपना नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को राजिम मेला घूमकर बहुत मजा आया ना। चलिए अब आगे चलते हैं, अभ्यास कार्य करते हैं। तो प्रश्न है, यह पत्र कहाँ से लिखा गया है? इसका उत्तर क्या है बच्चों? इसका उत्तर है, यह पत्र शंकरनगर रायपुर से लिखा गया है। अगला प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको लिखा है? इसका उत्तर आपको अभी देखा ना। चलिए मैं बताती हूँ, यह पत्र सरिता ने श्वेता को लिखा है। अगला प्रश्न है, राजिम का मेला किस माह में भरता है? राजिम का मेला किस माह में भरता है? हाँ, राजिम का मेला माघ माह में भरता है। अगला प्रश्न है, राजिम किन नदियों के संगम पर बसा है? अभी मैंने तीन नदियों का नाम लिया था ना, आपको याद है? चलिए मैं बताती हूँ इसका उत्तर, राजिम सोंडूर, पैरी और महानदी के संगम पर बसा है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य मतलब आप क्या समझते हैं, है ना बच्चों? तो चलिए मैं बताती हूँ इसका उत्तर, जहाँ तीन नदियों का संगम होता है उसे त्रिवेणी कहते हैं। जैसे राजिम में सोंडूर, पैरी, महानदी तीन नदियों का संगम है, इसलिए यह त्रिवेणी कहलाता है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द और उनके विपरीत अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं, इनकी जोड़ी बनाकर लिखो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको विपरीत अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनानी है। बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, देखते हैं। सुख, प्रसन्न, असफल, अप्रसन्न, ऊंचा, दुख, बुद्धिमान, सफल, पसंद, थोड़ा, नीचा, बुद्धिहीन, नापसंद, बहुत। चलिए बच्चों इसका सही सही हम मिलान करते हैं। सुख का उल्टा क्या आएगा? हाँ, सुख का उल्टा आता है दुख। प्रसन्न का विपरीत अर्थ क्या होगा? अप्रसन्न। सफल का उल्टा क्या होगा? असफल। ऊंचा का क्या होगा? नीचा। और बुद्धिमान का क्या होगा? बुद्धिहीन। पसंद का क्या होगा? नापसंद। और थोड़ा का क्या होगा? बहुत।
तो बच्चों देख रहे हैं ना, ये तो विपरीत अर्थ वाले शब्दों की जोड़ियां बन गई। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्दों के अंत में एक लगाकर नए शब्द बनाओ। जैसे सप्ताह में अगर एक लगाएंगे तो क्या हो रहा है, देखिए जरा, साप्ताहिक। ऐसे ही और शब्द हैं, उसको बनाना है। ठीक है, जैसे शब्द हैं वर्ष, परिवार, मास, व्यवहार, समाज, संसार का हम एक लगाते हैं तो क्या बन गया, वर्ष का क्या हो गया, वार्षिक। परिवार में एक लगाए तो क्या बन गया, पारिवारिक। मास में लगाए तो क्या बन गया, मासिक। व्यवहार का, व्यवहारिक। समाज का, सामाजिक। संसार का, संसारिक। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ अभ्यास कार्य। अब हम चलते हैं गृह कार्य की ओर, जो आपको घर में बनाना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहला प्रश्न है, अपनी किसी यात्रा या विद्यालय के किसी कार्यक्रम का वर्णन करते हुए अपने मित्र, अपनी सहेली को पत्र लिखो। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के बारे में लिखो। अगला है, तुमने किसी मेले में झूला अवश्य झूला होगा, अपने अनुभव लिखो। अगला प्रश्न है, झूला का चित्र बनाकर रंग भरो। और इसमें तो आपको बहुत मजा आएगा, है ना, झूला झूलने में भी और चित्र बनाने में भी। तो ये सब करके आप घर में ये सब काम कर लीजिए। ठीक है, तो अब अगले कक्षा में हमारी भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।